वेलकम टू माई चैनल। कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे। मैं नकुल और आज आप लोगों के बीच रिव्यू करने वाले हैं हुंडई ग्रैंड आई टेन नियोस का, जो कि स्पोर्ट्स वेरिएंट है गाइस। और कलर इसका जो है वो टाइटन ग्रे है, तो कलर काफ़ी प्रीमियम है। और यहाँ के अगर यदि हम बारे में बात करेंगे ये गाड़ी का, तो ये 1.2 लीटर कप्पा इंजन के साथ कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये MT है गाइस, मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी है। और ये स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स में लुक वाइज आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम लुक यहाँ पे दे रहा है। अगर यदि हम फ्रंट की ओर बात करेंगे और फ्रंट से बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल मिलता है, जो कि साथ में आपको साइड में डेयरेल मिलता है, साथ में आपको एरो कटिंग मिल जाता है, साथ में हुंडई की लोगो आपको देखने को मिल जाता है गाइस। अगर यदि बॉनेट शेफ के बारे में बात करेंगे, तो बॉनेट शेफ भी काफ़ी अच्छा लुक में आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर लाइट आपको देखने को मिल जाता है गाइस। यहाँ पे आपको साइड हजार्ड लाइट का इंडिकेट्स भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ में बात करेंगे तो जो स्किड्स प्लेट दिए गए हैं, जो कि इंजन को प्रोटेक्ट करता है, हालाँकि वो भी ग्रे फिनिश में ही, टाइटन ग्रे फिनिश में ही आपको देखने को मिल जाता है गाइस। तो ये जो गाड़ी है ग्रैंड आई टेन नियोस स्पोर्ट्स, जो गाड़ी है वो आपको वैल्यू फॉर मनी है, कम पैसा में बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। अगर यदि हम गाड़ी के माइलेज के बारे में बात करेंगे गाइस, तो इसका काफ़ी अच्छा माइलेज शुरू से रहा है, जो कि 17-18 माइलेज आपको मिल जाता है एंड ऑन द वे हाईवे। अगर यदि आप इसका ये का जो ये है, इसका जो ग्रिपिंग है और हैंडलिंग, जो ब्रेकिंग, वो वाकई में काफ़ी अच्छा है। और हुंडई की जितना भी गाड़ी होता है गाइस, वो सेल्फ ड्राइव गाड़ी होता है, खुद से चलाने में, मतलब लॉन्ग जर्नी में कभी कभी होता है उबन सा गाड़ी चलाने में होता है, बट हुंडई की किसी भी गाड़ी में ऐसा नहीं है। थोड़ा चलाएँगे तो और आपको अच्छा लगेगा, कम्फर्टेबल फील वाकई में काफ़ी ज़्यादा करेंगे आप। अगर यदि हम यहाँ पे साइड के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी स्मार्ट व्हील कैप आपको देखने को मिलता है गाइस। अगर यदि टायर के साइज़ के बारे में बात करेंगे, तो 175/60 R15 इंच का टायर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी स्मार्ट व्हील कैप के साथ आपको मिल जाती है। अगर यदि इसका ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे, तो 167 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि इंडिया के रोडों के लिए वाकई में काफ़ी परफेक्ट है गाइस। यहाँ पे आप साइड में एरो कटिंग देख सकते हैं गाइस, काफ़ी अच्छा ये डिज़ाइन किया गया है, जो कि हवा काटता है जब काफ़ी गाड़ी हाई स्पीड होती है, तो काफ़ी अच्छा माइलेज देता है। अगर यदि हम RPM पे बात करेंगे, तो LED का हज़ार लाइट इधर आपको देखने को मिल जाता है गाइस। ऊपर में अगर यदि हम बात करेंगे, तो ब्लैक फिनिश में आपको रूफरेल कंपनी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे अगर यदि सी पिलर के पास आपको ZI10 की बैजिंग देखने को मिल जाती है गाइस। अगर यदि हम इसका कीज़ के बारे में बात करेंगे, तो इसका कीज़ आपको इस टाइप पे कीज़ मिलता है, लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन, एक मैनुअल मिलता है और एक स्मार्ट की मिलता है गाइस। अगर यदि हम ऊपर में हम बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपको बॉडी कलर ही शार्फिन एंटीना आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पीछे में आपको डिफोगर देखने, हाई स्टॉप माउंट लाइट ऊपर में, और कनेक्टिंग, मतलब ये कनेक्टिंग नहीं है गाइस, कनेक्टिंग आपको रिफ्लेक्ट करेगा, बट जो टेल लैंप है वो आपको LED में देखने को मिल जाता है, हजार्ड लाइट। अगर यदि हम नीचे बम्पर के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको दो रिफ्लेक्टेड मिल जाता है लाइट, जो कि यहाँ पे रेयर पार्किंग सेंसर दो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अंदर से 3 अलाइन में आपको इंडिकेट भी करेगा कि स्टेयरिंग मूव करके कहाँ जा रही है। अगर यदि हम इसका फ्यूल कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे गाइस, तो इसका 37 लीटर का कंपनी बताता है, बट 45-43 ऐसा चला जाता है। और इसका जो माइलेज भी काफ़ी अच्छा है। अगर यदि अभी हम हैं बोधगया के लुम्बिनी हुंडई शोरूम में, यहाँ पे जो ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है वो 8,59,000 आपको ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है गाइस। अगर यदि इंटीरियर वगैरह में हम चलते हैं और बात करते हैं कि गाड़ी के फीचर्स क्या है, तो फीचर्स भी काफ़ी अच्छा है और हैचबैक कार है, तो एक फैमिली के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है सिटी वगैरह में चलने के लिए और हाईवे वगैरह में भी चलने के लिए। अगर यदि हम ड्राइवर साइड गेट खोलते हैं गाइस, तो आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड गेट खोलते ही गेट वाला जो अपना गाड़ी वाला जो फील होता है ना सर, वो आने लगता है। यहाँ पे चारों पावर विंडो को ऑपरेट दिया गया है, चाइल्ड विंडो लॉक, सेंटर लॉक, अनलॉक, मिरर को आप फोल्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, एडजस्ट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर फिनिश में आपको गेट नोब मिलता है, मिल जाता है। अगर यदि यही पहले जो आता था
ये 2023 में जो किया है वो सारे वेरिएंट में 4 एयरबैग कर दिए गए हैं। और अगर यदि आप आस्टा मतलब सबसे टॉपेस्ट वेरिएंट इसका परचेस करते हैं तो इसमें आपको 6 एयरबैग कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे भी और आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है जो कि अगर यदि रोड भीगा हो, कीचड़ हो, या यानी कि रास्ता सही नहीं हो और चक्का स्किड कर रहा हो तो उसको ऑन कर देने से आपको चक्का स्किड नहीं करेगा गाइस। यहाँ पे अगर यदि हम ड्राइवर सीट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग के बारे में बात करेंगे गाइस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। क्रूज़ कंट्रोल जो होता है वो +40 से एक्टिवेट होता है, 50, 60, 80, 90 जितना पे भी आप चाहें कर सकते हैं। क्रूज़ को प्लस माइनस यहाँ से आप कर सकते हैं। MID इन्फॉर्मेशन इधर से आपको देखने को मिल जाता है। इन्फोटेन सिस्टम के आपको ऑपरेट इधर मोड, वॉइस कमांड, वॉल्यूम, फ़ोन पिकअप, रिजैक, म्यूज़िक नेक्स्ट, इधर आप इन्फोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट आपको वो साइड में मिल जाता है। अगर यदि हम बात करेंगे तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी है गाइस, आप देख सकते हैं क्लच ब्रेक एंड एक्सीलेटर। इंटीरियर में चलते हैं तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पे आपको RPM देखने को मिल जाता है, स्पीड फीलिंग का कितना है, कौन सा टायर में कितना हवा है, कौन सा गेट खुला हुआ है वो आपको सामने इंडिकेट करेगा गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं। और इस मतलब ये गाड़ी में खासियत है जब लॉन्ग जर्नी आप चल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा मतलब ये है। और म्यूजिक सिस्टम में एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। क्लाइमेट कंट्रोल में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, बाहर के वेदर के अनुसार आपको अंदर कूलिंग करेगा। यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग का है और 12 वोल्ट का चार्जिंग का पॉइंट है और पेन ड्राइव सपोर्टेड है। नॉर्मली ये 5 गियर की गाड़ी है गाइस, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो डैशबोर्ड का है वो काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड इधर आपको ग्रे एंड गर्ग ग्रे में आपको देखने को मिल जाता है जो कि 4 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज और भी देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको ग्लव बॉक्स है, कूल ग्लव बॉक्स नहीं है, हालांकि कूल ग्लव बॉक्स देना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे एक माइक लगा होता है जो कि HD वॉइस में कनेक्ट करके देता है। आप गाड़ी के कहीं भी बैठे रहेंगे कोने में, उसमें भी आपको HD वॉइस में कनेक्ट कर देगा। यहाँ पे लाइट है जो टिल्ड यानी कि टिल्ड स्टीयरिंग है, टेलीस्कोपिक नहीं है गाइस। यहाँ पे आपको वेंट जो दिया गया है वो सिल्वर फिनिश में यहाँ पे लाइनिंग दिया गया है जो कि खूबसूरती अंदर से गुड फीलिंग्स के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है गाइस। अगर यदि फैब्रिक सीट में आप देख सकते हैं फैब्रिक सीट यूज किया गया है यहाँ पे, 4 एयरबैग इसमें आपको देखने को मिल जाता है। साइड कॉटन में जो एयरबैग होता है वो काफ़ी मायने रखता है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे एयरबैग ये साइड कॉटन में मतलब साइड से गाड़ी डैम्प करेगी तो ये साइड कर्टन ही आपको बचा पाएगा गाइस। तो एयरबैग अब लाइफ के लिए बहुत मायने रखता है। अगर यदि यही हम पीछे सेकेंड रैप में चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर में आपको जो हेडरेस्ट है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, फिक्स नहीं एडजस्टेबल है। 2 हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, इसके अंदर कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता है गाइस। यहाँ पे अगर यदि हम बात करेंगे तो रेयर एसी वेंट भी आपको देखने को मिल जाता है। नॉर्मली 12 वोल्ट का चार्जिंग का पॉइंट भी आपको देखने को मिलता है गाइस। अगर यदि हम इसका बूट स्टोरेज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम आपको बूट स्पेस दिखला दें कि बूट स्पेस है कितना गाइस। यहाँ से पावर बटन होता है। अगर यदि टेल गेट के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ग्रैंड i10 की बैजिंग, न्योस की बैजिंग, हुंडई की लोगो, स्पोर्ट्स की बैजिंग आपको देखने को मिल जाता है जो कि पीछे से भी काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है गाड़ी। ऐसा नहीं कि टेल गेट पर कुछ खाली खाली लग रहा है, मतलब अच्छा खासा व्यू दे रहा है यहाँ पर गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर बटन है, पुश करने से यहाँ आपको ये आएगा। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे दिया गया है, छोटा हैंड बैग वगैरह है तो आप पार्सल ट्रे पर यूज़ कर सकते हैं। इधर आपको बूट स्टोरेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर स्पेयर व्हील होता है जो कि आपको पता ही होगा कि हुंडई की सारी स्टेपनी में जो है 1 इंच छोटा होता है, आप इसको स्टेपनी में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मेन टायर नहीं बना सकते गाइस। इसको मेन टायर का साइज़ है 15, इसका है 14, आप साफ दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे है ये आपको देखने को मिल जाता है। अगर यदि इंजन के बारे में हम बात करेंगे तो खैर इंजन जो 1.2 लीटर कप्पा इंजन जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और काफ़ी मतलब ज़ीरो मेंटेन के साथ ये गाड़ी रहा है गाइस। इंजन कंपाउंड मैं एक बार आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये नियोस स्पोर्ट्स का इंजन हो गया जो कि आप देख सकते हैं 4 सिलेंडर की गाड़ी है गाइस, 16 बल्ब है। इधर आपको मतलब
इधर आपको एयर बॉक्स हो गया, बैटरी, फ्यूज बॉक्स, रेडी वाटर, इधर आपका हो गया कूलेंट, ब्रेक ऑयल, इधर आप रिफ़िल कर सकते हैं। जितना वाइपर आप यूज़ करेंगे उसको आप रिफ़िल करें। रिफ़िल जब भी करें तो आरओ का या डिस्टिल वाटर यूज़ करें, नॉर्मल वाटर नहीं यूज़ करें गाइस। ये अंदर काई जम जाने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और फिर उसको आपको चेंज करवाने की आवश्यकता होता है। और इंजन में कुछ भी प्रॉब्लम होने से चेक इंजन का साइन डिस्प्ले पे मारेगा, मतलब कॉन्टैक्ट फॉर इमरजेंटली सर्विस सेंटर, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तभी चेक इंजन का साइन मारता है गाइस। और ये जो गाड़ी है वो नियोस, वो किसी भी वेरिएंट का जो गाड़ी है वो इंजन काफ़ी सक्सेसफुल रहा है शुरू से, जब से मतलब आप देख सकते हैं गाड़ी का जो वैलिडिटी है, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, भारत नंबर जो होता है वो 2 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, बट भारत नंबर सभी को अलाउड नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों को अलाउड होता है, जैसे डिफेंस आर्मी वगैरह जो होते हैं उनका भारत नंबर अलाउड होता है, और भी है जो कि अलाउड होता है, बट ये रजिस्ट्रेशन जो आपको 15 साल का मिलता है वो वाकई में 15 साल गाड़ी आपको बिल्ड क्वालिटी रहेगा ही रहेगा सर। अगर यदि हम गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी ये नहीं होता है गाइस, जो फ्रेम होता है ना, जो गाड़ी का स्ट्रक्चर होता है उसको बिल्ड क्वालिटी बोला जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं कि बिल्ड क्वालिटी आपका गाड़ी का बॉडी को ही बोल देते हैं, बट वो बिल्ड क्वालिटी नहीं होता है, वो तो सिर्फ चदरा रहता है गाइस। मेन जो होता है स्ट्रक्चर, वो मेन होता है, वो गाड़ी आपका एक्सीडेंट करता है तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बचाता है, तो वो स्ट्रक्चर इसका काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है और सेफ्टी रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है। और हुंडई की गाड़ी आप यूज़ कर रहे हैं तो मतलब इसका कंपेयर, हुंडई का जो कंपेयर है, जो BMW, ऑडी, रेंज रोवर, मर्सिडीज़ ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस हुंडई में आके परचेस करते हैं और वही फील आपको कम पैसा में मिल जाता है गाइस, तो वाकई में काफ़ी अच्छा है। और आप इस सेगमेंट में गाड़ी अगर यदि आप लेना चाह रहे हैं तो ट्रस्ट में आप एक बार हुंडई का गाड़ी टेस्ट ड्राइव लेके देखें, कहीं भी आप कहाँ जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, वो नीरेस्ट आपको लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ एक बार टेस्ट ड्राइव लेने के लिए बोल रहे हैं, ट्रस्ट में आपको बहुत पसंद आएगा। और इस सेगमेंट में गाड़ी लोग बहुत शौक से लेते हैं और एटलीस्ट लेते हैं तो 5-6 साल 8-10 साल तो रखते ही रखते हैं गाड़ी है, बट 5-6 साल के लिए 10 साल आप गाड़ी रखेंगे तो जल्दबाजी में डिसाइड ना करें कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।